मैं तुम दसना चाहना इस कॉलेज की हिस्ट्री। एक कॉलेज एक स्कूल की बिल्डिंग सी, एक बड़ा सक्सैसफुल स्कूल है लोहिया के, बहुत वड्डा स्कूल है, और ये स्कूल की बिल्डिंग सी, ये उन्होंने ब्रांच सी। और अज तो कुछ साल पहला जो कॉलेज के इस अपनी चर्च के कुछ बच्चे इदा के सके जिन्होंने मैं कहता कि तुम पुलिस अफसर क्यों नहीं बनते, तुम बड़े अफसर क्यों नहीं बनते। हालेलुया पेजल और सबको जान सी की। आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं। जैसे कि आपने वीडियो के टॉपिक को तो सुन ही लिया होगा कि अपोस्टल जी ने हमारे साथ क्या शेयर किया, और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि जो कि आप देखते हैं सोफिया इंस्टीट्यूट जो कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ महाराज जी की ओर से खोला गया है। ये एक विजन की ओर से खोला गया है, एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया अपने दास को विजन था कि वो सोफिया कॉलेज को खोलते। हालेलुया। और आपने सुना है कि जहाँ पर अब सोफिया इंस्टीट्यूट खोला गया वो पहले स्कूल था, और वहाँ पर 200 के लगभग स्टूडेंट पढ़ा करते थे। और जब हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इस स्कूल को ख़रीदा तो उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था हम इस यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलेंगे, क्योंकि मेरा विज़न है कि अब हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं, अब हमारे जो देश के बच्चे हैं वो बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। और ये एक ब्रांच थी लोहियों में, ये एक ब्रांच थी जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इसको ख़रीदा, इसको इंस्टीट्यूट बनाया, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर को परमेश्वर ने विज़न दिया था। क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर जी हमें बताते हैं कि मैं जब अपने देश के बच्चों को देखता था, अपने देश के बच्चों के साथ बातें करता था, तो मैं उनसे पूछता था तुम कोई बड़े ऑफिसर क्यों नहीं बनते, तुम IPS ऑफिसर क्यों नहीं बनते, तुम पुलिस वाले क्यों नहीं बनते। तो इसी विज़न को लेकर हमारे स्पिरिचुअल फादर जो कि पास्टर अंकुर यूसुफ नूला जी, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को खोला। ये एक स्कूल था, स्कूल को ख़त्म कर यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाया गया, और यहाँ पर IPS वगैरह वाले बड़े बड़े जो कि कोर्स हैं, बड़े बड़े डिग्रियाँ हैं जो कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, स्टूडेंट्स को कराई जाती हैं। हालेलुया। और हमारे पीछे फादर जी बताते हैं कि अब हमारे देश के जो बच्चे हैं वो सलूट मारने वाले नहीं, सलूट मरवाने वाले बनेंगे, वो बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पंजाब के जो लोग होते हैं, जो हमारे पंजाब के इंसान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, वो कहीं भी जाएँ तो सब कुछ वो कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके दिमाग उनको बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने ब्लेस किया है, वो कहीं पर भी जाएं वो अपना रुतबा बना लेते हैं। कहीं पर अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हमारे पंजाब के फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पंजाब के जो लोग हैं परमेश्वर की बुद्धि से वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस्ड रखता है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर अब जहाँ पर स्कूल था, वहाँ पर परमेश्वर के विज़न की ओर से हमारे स्पिरिचुअल फादर ने जो इंस्टीट्यूट खोला, वहाँ पर अब बहुत सारे बच्चों को जो कि हमारे पंजाब के बच्चे हैं, जो कि हमारे क्रिश्चियनिटी के बच्चे हैं, जो हमारे मसीह भाई बहनों के बच्चे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा IPS वगैरह SAE वगैरह वाले कोर्स करते हैं, और बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची पदवियों पर उन्होंने उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। और आप आगे जाकर देखेंगे कि कई स्टूडेंट्स ने वहाँ पर पढ़ाई कर बहुत ज़्यादा वो ब्लेस्ड हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नौकरियों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और ये एक परमेश्वर का ही विज़न था कि हमारे जो देश के बच्चे हैं, हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस हो, बहुत ज़्यादा आगे जाएँ। हालेलुया। क्योंकि जब जब हमारे स्पिरिचुअल फादर को परमेश्वर ने कोई विज़न दिखाया है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं बहुत सारे विज़न है जो कि परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल फादर को बताता है, तो परमेश्वर उसे पूरा किए बिना कभी भी नहीं पूरा छोड़ता, पूरा हो किए बिना वो कभी भी अधूरा नहीं रहता। वैसे ही ये विज़न था जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इस कॉलेज के बारे में देखा, जो कि सोफिया इंस्टीट्यूट है। आपने भी कई बार देखा होगा कि ये चर्च के पास ही है, जो कि हमारी खंबरा चर्च अंकुरुलम मिस्ट्री की ओर से ये खोला गया है। आपने इस कॉलेज को भी देखा होगा, और ये परमेश्वर का एक विज़न था जो कि अब पूरा हो चुका है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा होशियार है, और बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची पदवियों पर परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस्ड किया। हालेलुया। और
यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल फादर जी बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आनंदित होता हूँ जब यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो हमारे मसीह लोग, मसीह भाई बहन हैं, मसीह लोगों के बच्चे हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी रुतबे, जो कि बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त कर कर ब्लस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये 2018 की मीटिंग है जो कि आपने शुरू में शुरुआत में जिसे देखा, ये 2018 की, और आप अभी देख रहे हैं कि 2018 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कि सोफिया कॉलेज में पढ़कर बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे उन्होंने रुतबे प्राप्त किए। कोई IPS बन गया, कोई ASI बन गया, पुलिस में किसी को परमिशन ने ब्लेस्ड किया, हालेलुया। और आप देख सकते हैं कि कैसे सोफिया कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासों में बहुत ज़्यादा वहाँ पर परमेश्वर की बुद्धि से ब्लेस्ड जो टीचर है, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने वहाँ पर टीचर रखवाए हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को ब्लेस्ड पढ़ाई देते हैं, और इनसे परमेश्वर के दास के द्वारा जो विज़न परमेश्वर ने दिखाया, उस विज़न को परमेश्वर बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा, और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो वहाँ पर पढ़कर बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे रुतबों पर, बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे उन्होंने डिग्रियाँ प्राप्त की, वो पुलिस में जाकर भर्ती हुए, कई ASI बने, कोई IPS बने, आप देख सकते हैं, आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने कितने कितने बड़े रुतबों को प्राप्त किया, हालेलुया। और हमें ये गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं, हमारे जो देश के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर, परमेश्वर के दास के द्वारा जो कि विज़न था, परमेश्वर के दास की प्रार्थना में रहकर इतनी इतनी बड़ी डिग्रियाँ उन्होंने प्राप्त की, और परमेश्वर उन्हें बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा, हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, जो भी हमारे मसीह भाई बहनों के बच्चे हैं, और जो भी ASI IPS वगैरह के कोर्स करना चाहते हैं, तो आप भी सोफिया इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर अपना दाखिला करवा सकते हैं, वहाँ से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ प्रार्थना पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल दास के जो कि निगरानी में हमारे बच्चे रहते हैं, उनकी प्रार्थना के नीचे रहते हैं, और वो खुद भी वहाँ पर जाकर उनसे मीटिंग करते हैं, उनको उनसे बातें करते हैं, और उन्हें खुद भी बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, हालेलुया। आप देख सकते हैं कि कितनी बार हमारे जो स्पिरिचुअल फादर जी हैं, वो सोफिया कॉलेज में जाकर मीटिंग को उन्होंने किया, और बच्चों के साथ उन्होंने मीटिंग को किया। कई बार जो बच्चे जहाँ से पास कर, जहाँ से रुतबे बनाकर, जहाँ से अपनी डिग्रियाँ लेकर जब वो ब्लेस्ड होते हैं, तो हमारे स्पिरिचुअल फादर भी उन्हें ब्लेस्ड करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर भी उन्हें इनाम देते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर भी उन्हें उनके साथ बहुत ज़्यादा मीटिंग करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। और आप भी तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए, और ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा वहाँ पर बच्चे हैं जो कि एडमिशन लेते हैं, कितने ज़्यादा बच्चे वहाँ पर बहुत आत्मिक गिनती में जो कि सोफिया कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं, और ये एडमिशन फ्री की जाती है वहाँ पर, कोई भी हमें वहाँ पर पैसा नहीं देना पड़ता, और हमें फ्री वहाँ पर पढ़ाई की जाती है, क्योंकि हमारे कई लोग होते हैं जो कि हमारे मसीह बहन भाई हैं, जो कि आगे बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयों को नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। पर अब जो कि हमारे परमेश्वर ने हमारे स्पिरिचुअल फादर को विज़न दिया, वो इसी कारण विज़न दिया कि हमारे अब जो भी कोई भी हमारे देश का बच्चा है, वो ब्लेस्ड हो, वो बड़ी बड़ी रुतबों को प्राप्त करे, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। आप भी जो सोफिया कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप भी हमारे मसीह भाई बहन जो कि पढ़ने में होशियार हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो परमेश्वर में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर की अगुवाई में रहने वाले हैं, तो आप भी सोफिया कॉलेज में जाकर एडमिशन लें, वहाँ से बड़े बड़े रुतबों को हासिल करें, वहाँ से बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल करें, और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, और अपने परमेश्वर का नाम महान करें, क्योंकि जब हम बड़े काम करते हैं, तो ये महिमा भी हमारे परमेश्वर को मिलती है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मिलती है, क्योंकि वही है जो हमें आगे बढ़ाता है, वही है जो हमारी ज़िंदगियों में बड़े काम करता है, हालेलुया।
और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं 2018 से लेकर अब तक जो कि सोफिया इंस्टीट्यूट है वहाँ पर और बहुतायत में वहाँ पर बच्चों ने ब्लेसिंग को पाया है, बड़ी बड़ी डिग्रियों को पाया है और आप भी वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं और अपने नाम को ऊँचा कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊँचा कर सकते हैं और अपने घर वाले के नाम को ऊँचा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित और बढ़कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रोज़ नई से नई जो वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो आपके तक ज़रूर पहुंचे और उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर के कामों को करते रहें क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञा दी है जो कि हमें पूरी करनी है। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं जो कि परमेश्वर के विज़न को लेकर काम करते हैं, परमेश्वर उन्हें अलग अलग विज़न देते हैं कि वो इस विज़न को लेकर काम करें, तब तक हमें भी अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ उस विज़न में काम करना है। जो विज़न हमारे स्पिरिचुअल फादर जी देखते हैं तो हमें भी अपने स्पिरिचुअल फादर के विज़न में शामिल होकर परमेश्वर के कामों को करना है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप लोगों की ज़िंदगी में बड़े काम करें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।